इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और भारत के दरमियान T20 सीरीज जो है वो हो सकती है, कोई ब्रैकेट निकाली जाए, कोई अंदर से जगह निकाली जाएगी, 8-10 रोज के लिए 2-3 मैचेस करवा दिए जाएंगे, तो ये चांसेस भी जो हैं, ये चांसेस हैं। अभी कबल इस वक्त कहना जो है वो कुछ भी हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बहरहाल ये अभी खैर सगाली का खत है। जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये वही बात हो सकती है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम, हो सकता है कि ये मैच हो सकता है कि ये किसी तरीके से। चेयरमैन पीसीबी जो है ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर रहे हैं और क्रिकेट डिप्लोमेसी पर पीसीबी के एक अफसर का ये कहना है कि इशारे मिल रहे हैं, कहा गया है कि तैयारी रखें और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हाँ। और आपको पता है पिछली बार पाकिस्तान भारत गया था, और अगर इस दफा सीरीज होती है तो भारत को पाकिस्तान आना होगा। जरा का ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज खेलने पर ब्रेक थ्रू होता है तो T20 मैचेस के लिए 6 दिन के लिए विंडो जो है वो लगाई जा सकती है, ऐसी मुमकिनात में से है। अगर ये सीरीज काबले अमल होती हैं तो भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने ही भारत का दौरा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान 2012-13 में आखिरी दो तरफा सीरीज भारत में हुई थी। जुनैद खान ने क्या कमाल उसके अंदर बॉलिंग की थी। और रवां साल भारत में T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। और दूसरी जानब दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी दस्ते की आखिरी कोविड टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं, और टीम जो है 35 खिलाड़ियों के साथ ये जो टेस्टिंग करवाई गई थी उसके बाद अब जोहान्सबर्ग के लिए रवानगी हो चुकी है। टीम जो है उड़ान भर चुकी है, पाकिस्तानी दस्ता जो है वो आज उड़ान भर चुका है और अब खेल पेश किया जाएगा वहां पर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुशाइन बात ये थी कि जाने से पहले सारी टीम के जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आ गए, हमारी तमाम टीम जो। वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी सीरीज का कोई इम्कान नजर आ रहा है, इस हवाले से क्या इत्तला है आपके पास? गुड मॉर्निंग एंड हमजा, गुड मॉर्निंग। ओवरऑल देखिए, अभी ये बहुत जल्दी होगा, कुछ चीजें अभी इंडिया में ऐसी चल रही है। कल एक प्रोग्राम में मैं था, इंडिया से मुझे लाइन पे लिया हुआ था, तो बेदी साहब वहां पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे साथ में, उनका कहना ये था कि इस वक्त मोदी साहब जिस तरह इलेक्शन में फंसे हुए हैं, बंगाल का इलेक्शन है, कई और जगहों पे इलेक्शन है, उनके साउथ में इलेक्शन है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन उनके लिए डू एंड डाई वाली सूरत हाल रखता है, जिस तरीके के हालात इंडिया में रिसेंट पास्ट में हुए थे। तो उनका असल फोकस तो अभी इस जानिब दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो, ये जरा इस तरीके की फिगर जरूर है कि स्टैंड फैसला खुद करते हैं, बात खुद करते हैं। माजी में हमने देखा था कि जो हुकूमतें पाकिस्तान और भारत की हुआ करती थी, जियाउलहक साहब गए थे मैच देखने के लिए, राजीव गांधी साहब आए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब दोनों हुकुमरान है, वो डिसीजन लेंगे कि आया होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अगर उसूलन देखा जाए, कानूनन देखा जाए, तो इंडियन टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। जक्का अशरफ के दौर में पाकिस्तान टीम गई थी, और अभी हमजा जिस तरीके से आप जुनैद खान के स्पेल की बात कर रहे थे, बड़ा लाजवाब स्पेल था वो। अच्छा स्पेल करने के बाद आज तक जुनैद खान भी टीम में दिखाई नहीं दिए। तो कहने का मकसद है अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमजा, शायद मेरा अपनी जाती राय ये कि पाकिस्तान में सीरीज फिर ना हो। इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है, और शायद कोई एक विंडो उसी वक्त बनाई जाए कि 3 T20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड T20 इंडिया में खेलने। मैं नसीम राजपूत साहब उसी तरफ आ रहा था कि भारत इसमें लीनियंट हो सकता है, भारत की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मशरूत कर रखा है कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना है, तो भारत ये पाकिस्तान को ऑफर तो कर सकता है कि हम आपके पास आके सीरीज खेल लेते हैं, आप हमारे पास आके वर्ल्ड कप खेल लें। देखिए वर्ल्ड T20 तो हमें खेलने जाना ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें जाना पड़ेगा। ये ICC भी वैसे दिखाने के लिए है, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ही नहीं, हम वर्ल्ड T20 खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो ICC कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात यह कि वर्ल्ड T20 खेलने हम जरूर जाएंगे, एक बात तो तय है, चाहे हमारे शाइकीन को वीजा मिले ना मिले, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे मीडिया को मिले ना मिले,
और COVID-19 की वजह से शायद बहुत सारे जवाब बन जाएंगे वीजे ना देने के भी। देखे ना, बायो सिक्योर बबल बनाना पड़ता है प्लेयर्स के लिए, क्राउड को वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है वो अपनी इस IPL में कोई ना कोई प्रैक्टिस करें जो अब होने शुरू होने जा रही है, कि कुछ क्राउड को बुला के वो देखें कि हम वर्ल्ड T20 में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अगर क्राउड नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी शायकीन को वीजे किस बात के। और दूसरी चीज, अब तक ज्यादातर जितनी क्रिकेट हो रही है कोई मीडिया कवर करने नहीं जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर डिस्कस कर रही है भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी एक्साइटेड है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी ने जो लेटर भेजा था उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है और पाकिस्तानी मीडिया ऐसे कुछ बातें कर रही है जिससे लगता है कि भारत पाकिस्तान के मैच होने वाले हैं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, इंडियन मीडिया में ये न्यूज कवर भी नहीं की जा रही। यहाँ तक कि विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट किया था जिसमें बोला था, बी रियलिस्टिक, अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, देन डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो आप समझ सकते हो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की सारी जो ओवर एक्साइटमेंट थी वो एक ही ट्वीट में विक्रांत गुप्ता ने निकाल दी। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई माहौल दिखता हुआ तो बन नहीं रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इमरान खान को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वेस्ट विशेस का ट्वीट किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान डे को लेकर एक लेटर भी लिखा, उसके बाद से ये बातें पाकिस्तानी मीडिया में स्टार्ट हुई। और पाकिस्तानी मीडिया ने उसका शेड्यूल भी निकाल दिया, क्वारंटाइन का टाइम भी निकाल दिया, और जवाने भर की क्या क्या बातें निकाल दी आप समझ भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का डिस्कशन, और पाकिस्तानी मीडिया ने एक डायलॉग मारा, मुंह में राम राम बगल में छुरी। मैं इसके रिप्लाई में बोलूँगा, इसके रिप्लाई में बोल रहा हूँ मैं, मुँह में अल्लाह अल्लाह बीच में बम का गोला। इनके हाथ में तो बम का गोला ही रहता, उसी वजह से तो पाकिस्तान भारत के मैच नहीं हो रहे हैं। आपको भी पता है क्या रीज़न है पाकिस्तान भारत के मैच ना होने की, वजह क्या है। ये लोग मतलब इनसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे मिलने गए बस लेकर, पीछे से इन्होंने बम मारने शुरू कर दिए कारगिल में, वहाँ पे युद्ध शुरू कर दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ से मिलने गए थे, उसके बाद पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, आपको भी पता है क्या सिचुएशन होती है। अब ये लेटर के बाद भी मुझे लग रहा है कि इनका जो एक डिपार्टमेंट है जो भारत पाकिस्तान के बीच पीस नहीं चाहता है, ISI वगैरह जो भी है वो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे हों, तो वो शायद अभी मोदी ने लेटर भेजा है, उसके बाद SAARC समिट में अगर इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है उसके बाद इंडिया में कुछ धमाका वगैरह ना हो जाए। आपको भी पता है ऐसा होता है। तो अब क्या लगता है आपको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भारत पाकिस्तान की सीरीज़ का तो मुझे दूर दूर तक कोई अनुमान दिख नहीं रहा है, हालांकि भारत पाकिस्तान के मैच एशिया कप में हो सकते हैं, एशिया कप आपको पता है अभी होने वाला है, लेकिन इंडिया ए नहीं जाएगी उसमें, इंडिया बी जाएगी, और उसके बाद हो सकते हैं भारत पाकिस्तान के मैच T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।